नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं संतोष व्यास। आज हम रेलवे स्टेशन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज जंक्शन पर पहुंचे हैं, जहां पर बहुत ही कठिनाई से पैसेंजरों को आने जाने में जो तकलीफ होती है, जो रेलवे ने ब्रिज बनाया है, जो ब्रॉड गेज जिस समय बनी थी उस समय, यह ब्रॉड गेज के समय यह ब्रिज बना था। आज यह स्थिति है, इस ब्रिज पर से कोई बीमार व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी उतर नहीं सकता। जवान व्यक्ति भी अगर उतरता है तो वह भी हाफ जाता है। आपको हम बता दें, उज्जैन फतेहाबाद इंदौर ब्रॉडगेज का जब शुभारंभ हुआ था, उस समय उज्जैन और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी खुद यहां पर स्वयं आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया था और इस ब्रिज पर भी वो चढ़े थे। उन्होंने खुद ने एहसास किया था कि किस तरह का वे ब्रिज बना है। जब से ही ग्रामीण यहाँ पर लिफ्ट की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यह बुजुर्ग लोग हैं, ये जो पैसेंजर जो उतर रहे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि यह कैसे उतरते हैं और कैसे चढ़ते हैं, इनकी क्या समस्या है, क्या समस्या हो जाती है? भयंकर समस्या, बीमार रहते हैं, हार्ट के जो पेशेंट है वो चढ़ नहीं सकते हैं। उनको तो चढ़ना और उतरना इतना दुर्लभ हो गया कि उन्होंने ट्रेन पे जाना तक छोड़ दिया। इतने बड़े पुल पे चढ़ना, बीच में अगर उनका हार्ट अटैक हो गया तो क्या, कैसे क्या, तो ट्रेन ही। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का एकमात्र ब्रिज बना हुआ है, तो यहाँ से कोई रेलवे ने दूसरा ब्रिज नहीं बनाया क्या? कोई बुजुर्गों को निकलने के लिए, कोई विकलांग व्यक्ति या कोई बुजुर्ग महिला है या कोई गर्भवती महिला, उनको आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया क्या? यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, उनके पास सामान हो, तो रास्ता यही है जो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना कोई लिफ्ट का साधन है, ना किसी प्रकार का साइड का। आप भी बहुत तकलीफ, आना जाना रोज चढ़ने उतरने की नहीं बनती है, बीच में सांस भरा जाता है, तो इसलिए आना जाना रेल से बहुत कम कर दिया। इसको लेकर पहले आपने मांग की थी मांग की थी पहले कि भाई ये पुल बहुत ऊंचा है, इसको थोड़ा नीचे करा जाए, चलने की उतरने की नहीं बनती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप क्या रहेंगे? यही कह रहे हैं कि इस पुल पे से वो चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही है। बूढ़े बुजुर्ग सभी को, हार्ट के पैसेंजर है या कोई वृद्ध आदमी है, वो चढ़ भी नहीं सकता, उतर भी नहीं सकता। या दूसरी कोई व्यवस्था जोड़ी जाए, लिफ्ट वगैरह की है। उस समय जब सांसद जी फिरोजिया जी, लालवानी जी, सभी ने शिकायत की थी, उस समय शिकायत की थी, उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। फिरोजिया जी, लालवानी जी, सभी ने शिकायत की थी, उस समय शिकायत की थी, उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। आज भी यही शिकायत है हमारी ओर से, तो आज भी जी हाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस समय ट्रेन आई है, और आप, मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए कि पटरी पार करके किस तरह पैसेंजर अपना पार कर रहे हैं, जबकि इस समय आज महाप्रबंधक जेएम का दौरा है और यहाँ पटरी पार करके पैसेंजर निकल रहे हैं, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर इस शोर से निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी विकल्प रास्ता नहीं होने की वजह से आज इन पैसेंजरों को पटरी पार करके निकलना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी का भी शोर ध्यान नहीं है। कैमरामैन जीतू कुमावत के साथ संतोष व्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइफ, में हूँ संतोष व्याज। आज हम चंद्रावतीगंज फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जहां पर 2017 में जब ब्रॉडगेज का उज्जैन से इंदौर का शुभारंभ हुआ था, उस समय ये रेलवे स्टेशन चकाचक हुआ था। आज आप खुद देखिए, आज जीएम का दौरा है और यहां पर रेलवे स्टेशन को सजाया गया, जहां पर अधिकारी वगैरह सब मौजूद है, और यहां कुछ ग्रामीण लोग यहां पर पहुंचे हैं फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या मांगे आपकी। सर्वप्रथम तो हम चंद्रावतीगंज का जो फुट ओवर ब्रिज है, जिसपे चढ़ने में उतरने में यात्रियों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम तो दिव्यांगजन, वृद्धजन, बुजुर्ग
और गर्भवती महिलाएं या बच्चे कोई भी हो, मतलब व्यस्क व्यक्ति को भी उस पर चढ़ने में पसीना पसीना आ जाता है। दूसरी हमारी मांग है कि चंद्रातिगंज से लेकर मतलब इंदौर से लेकर उज्जैन तक की ट्रेनों के बीच में एक फेरा बढ़ाया जाए और रात्रिकालीन इंदौर से लेकर रतलाम के बीच के एक ट्रेनों का फेरा बढ़ाया जाए। नई दिल्ली और इंदौर और काशी और प्रयागराज जो ट्रेनें हैं जिनका अभी तक चंद्रातिगंज में कोई स्टाफ नहीं है उनका स्टाफ कराया जाए। चंद्रातिगंज एक बड़ा जंक्शन है जिसमें 50 से अधिक गांवों का मतलब 50 से अधिक बड़े गांव जो है चंद्रातिगंज से कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद भी चंद्रातिगंज में किसी कोई बड़ी ट्रेन का कोई आवागमन का कोई वो नहीं है और आगामी सियास्त को देखते हुए चंद्रातिगंज में 9 नई ट्रेनों का मांग करते हैं चंद्रातिगंज के समस्त ग्रामीण। आप भी आए, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि डेमो ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएं, जैसे भाई साहब ने बोला कि ट्रेनों की जो आने में इंदौर से समस्या है, तो रात को 9 बजे वहां से एक ट्रेन चाहिए और शाम को 5 बजे के आसपास एक वहां से ट्रेन चाहिए, जो ट्रेनें नहीं है इंदौर से। और उज्जैन से जो ट्रेनें हैं जो आने का समय है शाम को 5 बजे के बाद, उज्जैन से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं, तो रात्रिकालीन महाकाल कॉरिडोर खुला है तो वो रात को 10 बजे तक चलता है, तो 9 बजे के आसपास वहां से ट्रेन वापस से इंदौर जाने के लिए हो और यहां से भी 7 बजे के आसपास एक उज्जैन जाने के लिए ट्रेन हो जो नहीं है। तो इंदौर से ऐसी डेमो ट्रेन चले जो शाम को 5-6 बजे चले इंदौर से और सीधे शाम को 7 बजे उज्जैन पहुंचे और रात को 9 बजे वापस वो उज्जैन से चलकर इंदौर पहुंच जाए, जिससे कॉरिडोर का भी आनंद श्रद्धालु ले सके। आप भी आए, क्या यहाँ पर लिफ्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, फुट ओवर ब्रिज बहुत ज्यादा ऊंचा है और रेलवे क्रॉसिंग जो है यहाँ पर हाईवे है, मिनी हाईवे है, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए। रेलवे फाटक आए दिन बंद होता रहता है और जो अंडरपास बने हैं सारे वो सारे फेल है, उसमें पानी भरा ही रहता है, बारिश के अलावा भी पानी भरा रहता है उसमें। कौन कौन से कहाँ पर बने यहाँ पर? यहाँ पर है उज्जैन रोड पे, रतलाम लाइन पे, इंदौर लाइन पे, तीनों लाइनों पे बने हुए हैं अंडरपास, उनमें पानी भरा रहता है। और क्या समस्या आपकी? और यहाँ पे मतलब जो है लाइन जो ब्रिज है वो हमसे बोलते हुए जा रहा है कि सर आप बोल रहे हैं ना ब्रिज का, हमने कहा तुम शिकायत की थी, आज रुको ना, फोटोग्राफी क्या करने जा रहे हैं, यहाँ बोलो ना, पीएम साहब आ रहे हैं, वो नारायण फोटो, तो दस वाली गाड़ी का